अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। और नोवाक जोकोविच की इस वक्त सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है उन टेनिस लवर्स के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया में है। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा उर्दू हिंदी में कि मामला क्या हुआ है और इतना बवाल, इतना ये शोर शराबा क्यों बरपा है, मसला क्या हो गया नोवाक जोकोविच का। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मसला ये हुआ था कि पिछले साल से नोवाक जोकोविच इस बात पे जिद पे थे कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवानी और जहाँ पे वैक्सीन लाजमी होगी वहाँ पे वो शायद टूर्नामेंट खेलेंगे नहीं। और जब से ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये लाजमी हुआ था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओमिक्रॉन है, काफ़ी ज़्यादा कोरोना की सिचुएशन ख़राब है। आपको पता ही होगा बिग बैश लीग जो क्रिकेट की है वो भी कितनी ज़्यादा कोरोना से मुतासर हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये लाजमी था कि वैक्सीन ज़रूर लगवाई हो जो भी आए। जोकोविच का बड़े अरसे से चल रहा था कि वो लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उन्होंने ATP कप जो कि सिडनी में इस वक्त हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उससे भी उन्होंने सर्बिया की टीम से विड्रॉ कर दिया। फिर खबरें आना शुरू हुई कि शायद वो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट चल रही थी कि हम इजाज़त देंगे नहीं देंगे, एग्जेम्पशन देंगे यानी इस्तिस्ना देंगे या नहीं देंगे। फिर थोड़े दिनों पहले जोकोविच ने एकदम से फोटो लगाई 2-3 दिन पहले कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, सामान सामान पैक किया हुआ है और मुझे इजाज़त मिल गई है एग्जेम्पशन की। एग्जेम्पशन जो है वो स्पेशल केसेस में दी जाती है जिनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड ऐसा हो, या मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्टली बता सकूँ कि उसमें क्या था कि किस केसेस में किन मामलात में एग्जेम्पशन दी जाती है। लेकिन जोकोविच ने ये क्लेम किया कि वो इस्तस्ना यानी कि उनको ना वैक्सीन लगी हो उसके बावजूद उनको वो स्पेशल स्टेटस मिल सकता है और उस पर वो उन्होंने अप्लाई करके उनको डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें इजाज़त मिल गई। अब हुआ ये कि शोर शराबा शुरू हो गया कि आपने जोकोविच को इजाज़त क्यों दी। ऑस्ट्रेलिया में सियासत भी बड़े अरूज पे पहुंच गई, ऑपोजिशन वाले बोलना शुरू हो गए कि इतना मामला ख़राब है और ऐसे में आपने जोकोविच को इजाज़त दे दी है। जोकोविच के 20 ग्रैंड स्लैम हैं, 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उनके लिए भी खेलना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन दूसरी तरफ ये बातें शुरू हो गई कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जोकोविच का ये डबल स्टैंडर्ड में आता है कि आप एक बड़े प्लेयर को इसकी इजाज़त दे दें कि वो बोल रहा है कि नहीं जी मैंने वैक्सीन नहीं लगवानी। लेकिन खैर उसने पहुंचना शुरू हो गया ऑस्ट्रेलिया, सफ़र उसका चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, स्कॉट मॉरिसन ने, कि अगर जोकोविच जो है वो उस पर पूरा ना उतरा मामले पे तो उसको वापस भेज दिया जाएगा अगली फ्लाइट से। अब जोकोविच साहब कल रात को पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, मतलब पाकिस्तान में शाम का वक्त था, पाकिस्तान इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में रात का वक्त था क्योंकि वो 6 घंटे आ गए हमसे। और जोकोविच को पूरी की पूरी रात एयरपोर्ट पे रखा गया एक बंद कमरे में जहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए थे बाहर, और अकेले रखा गया, उनसे मोबाइल भी उनका ले लिया गया। इस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो गया सर्बिया में कि आपने हमारे प्लेयर को इस तरह ट्रीट करें कि जिस तरह कोई क्रिमिनल हो, जिस तरह उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जोकोविच के बाप ने कहा, जो सरजान जोकोविच हैं उन्होंने कहा कि अगर जोकोविच को ना छोड़ा गया नोवाक जोकोविच को तो हम लोग स्ट्रीट्स पे आ जाएंगे, गलियों पे आ जाएंगे एहतजाज करने के लिए और मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो गुरान वेनिस विच 2001 के विंबलडन चैंपियन उसके जोकोविच के कोच हैं, उन्होंने फ़ोटो लगाई एयरपोर्ट पे बैठे हुए कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमें अलहदा रखा गया, जोकोविच को अलहदा रखा गया। तो अजीब वरीब सी सिचुएशन थी। अब सुनने में आ रहा है कि जोकोविच जो है उनकी क्योंकि वीज़ा इन्होंने गलत अप्लाई किया था, जो एग्जेम्पशन मिलती है, इस्तिस्ना मिलती है, उसके लिए एक स्पेशल वीज़ा के थ्रू अप्लाई करते हैं और इन्होंने वीज़ा भी गलत अप्लाई किया हुआ था। तो अब सुनने में आ रहा है कि जोकोविच ने अपील की है और हो सकता है कि उनका वीज़ा तो कैंसिल कर दिया गया है, हो सकता है उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन उनको फ़िलहाल किसी होटल में क्वारंटीन में अलहदा से रखा गया है जहाँ पर इस तरह के लोगों को जिनको वैक्सीन नहीं लगी होती उनको रखा जाता है। तो जोकोविच को इस वक्त जो है ना बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से रखा जा रहा है और लग ये रहा है कि जोकोविच को वापस ही भेज दिया जाएगा सर्बिया। और इससे लगता है कि टेनिस के हालात बड़े ख़राब हो जाने, क्योंकि जोकोविच तो पहले ही आपको पता ही है कि वो भाई साहब का मीटर थोड़ा सा घूम जाता है, थोड़े गुस्से में रहते हैं। और कभी आपको याद होगा US ओपन 2020 में उन्होंने बॉल मार दी थी लाइन मैन को, उस पर बहुत झगड़ा हुआ था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर भी और ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाएँ, क्योंकि जोकोविच तो बोलेगा कि भाई मैंने तो 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतना था और मैंने रिकॉर्ड बना लेना था, 21 ग्रैंड स्लैम का नडाल फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ देना था। जोकोविच के फैंस जो हैं वो कहते हैं कि जी जोकोविच के साथ बड़ा बुरा सलूक होते हैं, उन्होंने अगला रोला डालना है। तो बड़ा ही इस वक्त अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे सारे मामले पे, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह तमाम आपको अपडेट्स और न्यूज़ मिलती रहें।
और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर में एक वीडियो इंग्लिश में भी लगा दूं, तो जिसमें थोड़ा मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि मामला क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो और भी जानना चाह रहे होंगे कि ये मामला क्या है, लेकिन उनको उर्दू हिंदी नहीं आती होगी, तो उनको भी मैं समझा दूंगा कि मामला क्या है। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।